हम लोग के आगे जाके कुछ नहीं बनना है। बेचेंगे पकौड़ा, टाइटल ले लेना। हाँ मोदी जी कहे पकौड़ा बेचेंगे। हम लोग बेरोजगार है, ये टाइटल लेके घर में बैठना है और मोदी जी का विरोध करना है। वैकेंसी मिलवे नहीं करेगा तो हम लोग बनेंगे क्या? घर में ही बैठना है, खेती बाड़ी करना है, उसके बाद बेरोजगार बनना है। बेरोजगार बनना हम सबको और क्या? हाँ मोदी जी कहे पकौड़ा बेचेंगे। हम लोग बेरोजगार है, ये टाइटल लेके घर में बैठना है और मोदी जी का विरोध करना है। नमस्कार, मैं पूजा प्रिया और आप देख रहे हैं बिहार इन शॉर्ट्स। बिहार में बीएससीबी इंटर एग्जाम हो रहा है, ऐसे में तमाम छात्र जो 12 का एग्जाम दे रहे हैं उनकी एक बड़ी मुश्किल है। वो अपनी इस परीक्षा से खुश नहीं है, ना ही पास करने से। उनका कहना है कि आखिरकार हम पास करके बनेंगे क्या, लेकिन ये बता जरूर रहे हैं कि इंटर की परीक्षा पास करने के बाद वो बनने क्या वाले हैं। आप उनके मुंह से खुद सुनिए कि वो क्या कुछ जानकारी दे रहे हैं कि इंटर की परीक्षा पास करने के बाद वो क्या बनने वाले हैं। बताइए आप लोग आगे जाके क्या बनना चाहते हैं? हम लोग आगे जाके कुछ नहीं बनना है, क्योंकि हम लोग सरकारी से वैकेंसी मिलवे नहीं करेगा तो हम लोग बनेंगे क्या? एक वैकेंसी में 4 साल लगता है तो क्या बनेगा बच्चा? एक एग्जाम नहीं हो रहा है, आर्मी का रैली हुआ, एग्जाम नहीं हो रहा है, क्या बच्चा वैकेंसी में जाएगा? पिछले साल का एग्जाम नहीं हो रहा है, इस साल वैकेंसी नहीं आ रहा है आर्मी का। जी घर में ही बैठना है, खेती बाड़ी करना है, उसके बाद बेरोजगार बनना है। बेरोजगार बनना हम सबको और क्या? एग्जाम दे के घर में बैठना है। जी मैम, एग्जाम देने के बाद हम लोग का टाइटल बेचेंगे पकौड़ा, टाइटल ले लेना। हाँ मोदी जी कहे पकौड़ा बेचेंगे। हम लोग बेरोजगार है, ये टाइटल लेके घर में बैठना है और मोदी जी का विरोध करना है। मोदी जी का विरोध करना है जी। वैकेंसी का नहीं निकल रहा है। तो आपने उनको सुना, कितनी निराशा और कितनी हताशा है इन छात्रों में। इनका साफ साफ कहना है कि इंटर की परीक्षा पास करने के बाद हम कुछ नहीं करने वाले, या तो बेरोजगार रहेंगे या फिर पकौड़े तलेंगे या फिर रोजगार के लिए मार खाएंगे या फिर आंदोलन करेंगे। इसके अलावा हमारे हाथ में, हमारे बस में कुछ नहीं है। ये हमारे देश के वो भविष्य है जिन पर जो हमारे देश के नेता है, जो बिहार के नेता है, तमाम बड़े बड़े वादे करते हैं। और हमारे देश के युवा इतने हताश है क्योंकि जिस तरीके से बिहार में खबरें आ रही है, जिस तरीके से वैकेंसी पे खबरें आ रही है, जिस तरीके से परीक्षा में धांधली की खबरें आ रही है, सारे छात्र नाराज हैं। और उनका कहना है कि इंटर परीक्षा पास करने के बाद भी कोई नया बदलाव नहीं होने वाला है, डिग्री रखी रह जाएगी और उस डिग्री का कोई काम नहीं आएगा, कोई उपयोग नहीं आएगा और हम बेरोजगार थे और बेरोजगार ही रह जाएंगे। आप इस बारे में क्या सोचते हैं हमें कमेंट कर जरूर बताइएगा। आप देख रहे हैं बिहार इन शॉर्ट्स, हमारे साथ बने रहे, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लिए, फेसबुक पेज को लाइक करें। धन्यवाद।